ठीक है, तो पिछले टर्न पे हमने लिया था आपका कहाँ से कहाँ के बीच में, ठीक है, 1943 और 1944 को हमने पिछली बार इतिहास में ले लिया था, आज लिया हमने कहाँ से, वर्ष 1945 से लिया था। वर्ष 1945 में सबसे पहली घटना कौन सी है, जो रास बिहारी बोस होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। रास बिहारी बोस का नाम कब से आता है, वर्ष 1912 से आता है, और कहते हैं कि वर्ष 1912 में जो वायसराय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग, तो उनको उन्होंने बम फेंकने का प्रयास किया था, इसलिए रास बिहारी बोस तब अपने आप बचने के लिए भारत से भाग करके सिंगापुर चले जाते हैं, और सिंगापुर में जाकर के उन्होंने जो है वहां पर आजाद हिंद फौज को बनाया था। वही रास बिहारी बोस की जो है आपका 1945 में उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ में 1945 में ही हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं रूजवेल्ट होते हैं, तो रूजवेल्ट की भी इस समय मृत्यु हो जाती है। वर्ष 1945 में ही कहते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस का ही कहते हैं कि जो विमान होता है, विमान आपका कहाँ जा रहा था, जापान जा रहा था, जापान जाते समय विमान की दुर्घटना हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं उनकी मृत्यु की जांच के लिए भारत में जो है तीन समितियां बनाई जाती है, एक का नाम था शाहनवाज, एक आपका खोसला, एक आपका मनोज मुखर्जी समिति बनती है। तीन समितियां बनती है, इन समितियों ने तो ये कहा था कि जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी मृत्यु और की आपकी जापान की निकट और सिंगापुर से जाते हुए, लेकिन जबकि कहा जाता है कि जो नई इस समय जो वर्तमान में समिति है वो कह रही है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है वो जो है इस आधार पे नहीं हो रही है, सुभाष चंद्र बोस का जो है कोई भी वास्तविक प्रमाणित नहीं है। ठीक है, इसके बाद तब हम कहते हैं कि वर्ष 1945 में जो आपका द्वितीय विश्वयुद्ध होता है, तो द्वितीय विश्वयुद्ध भी क्या हो जाता है, समाप्त होने लग जाता है। कहते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध में पहले सबसे तीव्र रूप से जो आगे बढ़ा था तो वो आपका जर्मनी होता है, जब आपके हिटलर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एक बारबोसा अभियान चला था, उस बारबोसा अभियान के बाद जो है जर्मनी आपका काफी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो जर्मनी की जब मृत्यु हो जाती है तो जर्मनी यहाँ पर समाप्त होने लग जाता है, तब आपका आएगा कौन, जापान आता है। जापान के जो है लगभग सभी राष्ट्रों के साथ युद्ध होने लग जाता है, एक तरफ आपका जापान अकेला पड़ता है, बाकी विश्व के राष्ट्र एक तरफ हो जाते हैं। तो यहीं पर तब कहते हैं कि जब उसने अमेरिका को किया था, ठीक है, 20 तारीख की डेट है उसकी, 20 जुलाई को उसने अमेरिका को युद्ध में अपने संलग्न लिया था। तो उसके बाद तब आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराएंगे, और बम गिराने के बाद तब युद्ध भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब आपका युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं इस समय क्लेमेंट एटली, और ये हो जाते हैं आपके लॉर्ड वेवेल। वेवेल की घोषणा होती है कि हम क्या करेंगे, वो कहते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को बराबर सीट दी जाएंगी। जब हिंदू और मुसलमानों को बराबर सीट दी जाएंगी तब इसके बाद होता है आपका शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस भी जाती है, मुस्लिम लीग पार्टी भी जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी ये कहती है कि जो आपकी मुस्लिम सीट है तो उसमें सारे के सारे सदस्य कहाँ से आएंगे, मुस्लिम लीग पार्टी से आएंगे। तो कांग्रेस इसका विरोध करती है, क्योंकि कांग्रेस कहती है इससे कांग्रेस पे जो है हिंदुत्व का आरोप लग रहा है, जबकि जो है कांग्रेस में कई मुसलमान लोग भी शामिल है, तो इसलिए जो है कांग्रेस विरोध करती है, इसलिए शिमला सम्मेलन आपका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ष 1945 में ही, ठीक है, ये होता है आपके 45 में जितने भी आपके आजाद हिंद फौज के सिपाही होते हैं, ठीक है, आपका शाहनवाज का नाम आता है, ढिल्लो का नाम आता है आपका, ठीक है, गुरदयाल का नाम आता है, ये सब लोग जो होते हैं इनपे आरोप लगता है, किसका, देशद्रोह का आरोप लगता है, और देशद्रोह के आरोप में इन तीनों को दी जाती है फांसी की सजा। तब जाके कहते हैं यहाँ पर नाम आता है भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है आपका, ठीक है, ये सब के सब क्या है, एक कमेटी बनाते हैं, वकीलों की कमेटी थी, जिसमें कहा जाता है कि इनको जो है बचाया जाए, यानी बचाव समिति वो बनती है, बचाव समिति के आधार पर तब इनको जो है मौत की सजा से बचाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड वेवेल प्रयोग करते हैं अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, इन तीनों को मौत की सजा से बचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका 1946 की घटनाएं आती है, 46 में आपका एक सागर विश्वविद्यालय बनता है। सागर विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर बना था, पश्चिम बंगाल में, लॉर्ड वेवेल के द्वारा आपका बनाया जाता है। साथ में कहते हैं कि वर्ष 1946 में ही, ठीक है, जो आपका भारत का होता है पश्चिम वाला क्षेत्र होता है, तो पश्चिम वाले क्षेत्र में वहां पर भी आपका जो है विद्रोह होना शुरू हो जाता है, गुजरात के तट पे ये जो है विद्रोह होता है, जिसको कि कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उस विद्रोह को वहां पर शांत किया जाता है। ठीक है, साथ में आपका वर्ष 1946 में ही तब कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है भारत स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते हैं, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद तब जाके जो है भारत में भेजा जाता है आपका कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। ठीक है, जब अब कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन कुल कितना होता है, 3 सदस्य आपका